चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसका खुद शीशा का घर हो वो खुद पत्थर चलाता है। मेरा कोई विद्यालय नहीं है, कोई उसका मैं संरक्षण करता नहीं हूँ। वह जमीन मेरे भाई के नाम से है। वह व्यक्ति कोचिंग कराने के लिए जगह लिया था, वहाँ दारू का वह ट्रक मंगवाया, लड़की भी पकड़ाई है। पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है, वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूँ कि मैं अगर दोषी हूँगा तो ये मंत्री परिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से आता हूँ, मैं चलता फिरता आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूँ शिवम कुमार। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विधान परिषद और विधानसभा में आज शराबबंदी को लेकर विपक्ष के द्वारा खूब हंगामा किया गया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय पे एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी स्कूल से शराब की बोतलें बरामद हुई है। आपको बता दें कि इसको लेकर रामसूरत राय ने आज मीडिया के सामने सारी बातें रखी और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की ये बातें जो हैं सारी बातें गलत हैं। मेरा कोई स्कूल नहीं है, अगर स्कूल भी है तो मेरे भाई का है, और अगर वहाँ से शराब की बोतल बरामद होती है तो मैं अपने राजनीति और मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता हैं, तो उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय। नेता प्रतिपक्ष को ज्ञान की कमी है। नेता प्रतिपक्ष से मेरा कहना है कि आप अपने मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी माननीय आरजेडी के विधायक हैं या आपके गठबंधन के विधायक हैं, आप सभी लोगों से पता करवा लें और मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में कहीं भी किसी भी तरह का कोई गलत व्यापार रोजगार हम लोग नहीं करते हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसका खुद शीशा का घर हो वो खुद पत्थर चलाता है। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा कोई विद्यालय नहीं है, कोई उसका मैं संरक्षण करता नहीं हूँ, कोई वह मकान मेरे नाम पर नहीं है, दूर तो कोई रिश्ता नहीं है। अब रही बात, वह जमीन मेरे भाई के नाम से है। वो जमीन में एक व्यक्ति जो लड़का है, संतोष या कुशवाहा, नाम पूरा नहीं जानता हूँ, वह व्यक्ति कोचिंग कराने के लिए जगह लिया था और वह कोचिंग कराने के दरमियान ही वहाँ दारू का वह ट्रक मंगवाया, जिस कारण वहाँ पर एक लड़की भी पकड़ाई है जो टीचर थी या उसकी पत्नी है, वो लड़का भी पकड़ा के अरेस्ट हुआ है, केस भी हुआ है। अब गुनाह इतना ही है कि मेरे छोटे भाई के नाम से, जो विगत 10 वर्षों से हमसे अलग है, कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पर वह जमीन होने के कारण उसको ये लगता है कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बोर्ड पर नाम लिखने से उस व्यक्ति को अगर जोड़ता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि से विधानसभा के प्रथम स्पीकर हमारे ही विधानसभा के नाम दयालू बाबू हैं, उनके नाम पर हाई स्कूल, वहाँ कोई दारू का बरामदगी होगा तो क्या हो, रामदयालू इस्तीफा देंगे? और इस्तीफा की ही बात अगर है तो अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है, वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूँ कि मैं अगर दोषी हूँगा तो ये मंत्री परिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से आता हूँ, मैं चलता फिरता आदमी नहीं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।